एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई माजरत के साथ, असल में जब से जानवर आया बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो और फिर जब से तूफ़ान का सुना है कि तूफ़ान आ रहा है, तो उस वक्त से तो और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कि वीडियो वगैरह बनाऊं। लेकिन आज सोचा कि हिम्मत करते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो फाइनली हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ जानवर वगैरह आए हुए हैं सिर्फ और सेल के लिए, तो वो अभी जाकर देखना है। और पिछले वीडियो के अंदर आई बॉट माई काओ वाली वीडियो में जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा था मैं यूशा का भी जानवर दिखाऊंगा, वो भी नहीं दिखाया आपको, इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने ही जानवर से वीडियो की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हमारा बबलू जो है वो काफ़ी कम खड़े होते हैं, ये ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं। चारे वगैरह के लिए भी बहुत मुश्किलों से, मतलब इसको ज़बरदस्ती खड़ा करके उसको चारा देना पड़ता है, ये मतलब बैठा ही रहता है, इसकी आदत है बैठे रहने की। तो इस वक्त तूफ़ान का भी काफ़ी मसला है, पता नहीं वीडियो मैं कब अपलोड करता हूँ ये तो मुझे नहीं पता। वीडियो बना रहा हूँ आज बुध, मंगल का दिन है आज। थोड़ा सा कैमरा इशू हो गया, ब्लर आ रही है, पता नहीं क्या हो गया कैमरे में। तो खैर, ये आज मंगल का दिन है तो, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं ये कब तक मैं अपने चैनल पर डालता हूँ ये भी नहीं पता। तो चलें, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यूशा का जानवर दिखाना है और ट्रेंड में जो जानवर हमारी सोसाइटी में आए हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। इस दफ़ा जानवर कुछ ज़्यादा हैं तो चलें वो भी कवर करते हैं। तो ये है यूशा का जानवर, और ये जानवर का मैं कब से, बहरहाल इस जानवर की मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और टाइम मिला भी तो देखें, रात में मिला कि अभी जानवर सही से नज़र भी नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल ये जानवर जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह सा बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे वो, इसलिए कि रेट के हिसाब से इन्होंने बहुत बहुत अच्छा जानवर लिया माशाल्लाह से। और ये जहाँ से लाएँ वो 11D की मंडी है, 11D की मंडी से इन्होंने जानवर लिया ये माशाल्लाह से। तो ये था बहरहाल वो जानवर जिसकी मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। जब ये आया था तो इतना ख़तरनाक था, लेकिन अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल शरीफ हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो चलें अब चलते हैं दूसरी जगह पर। तो ये है वो जानवर जो सेल के लिए आए हुए सोसाइटी के अंदर, इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चियाँ ही हैं। बछड़ा था अभी तक बहरहाल मुझे वैसा भी नहीं नज़र आया। ये एक बछड़ा बैठा हुआ काला सफ़ेद, ये भी एक बछड़ा खड़ा है ब्राउन वाइट, ये सारे फोर सेल ले। ये सारे हैं जानवर फॉर सेल के। और सामने भी आए हैं, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। ये हैं फॉर सेल के, शान बेल टाइप का जानवर बैठा हुआ है। अच्छा, इसके मैंने अभी रेट मालूम किया था शाम में, तो भाई इसके ये मांग रहे 1,80,000 रुपये। तो बाकी ये जानवर भी और भी खड़े हैं। अच्छा, और सामने टेंट में भी जानवर हैं, वो भी देखते हैं। यहाँ हैं कम लेकिन अच्छे हैं, वज़नी जानवर है, ख़ूबसूरत जानवर भी हैं। जैसे ये देखें चितकम कलर्स का माशाल्लाह से, एक ये ब्लैक कलर का, वज़न में भी अच्छा है, एक ये ब्राउन वाइट बैठा हुआ है, ये भी वज़न में अच्छा है, भारी है।
ये बछिया ब्राउन कलर की, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ, ये बछिया जो है मेरे ख्याल से शायद सेल हो गई है 2.5 लाख रुपए में, चूँकि मेरा दोस्त बता रहा था जिसने ये ली है वो मेरे दोस्त का दोस्त है, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये बिक गई हो, ये बात सच हो कि 2.5 लाख में बिकी गई है। ये सारे माशाल्लाह से जानवर बैठे हुए हैं, ये चेक करें ब्लैक कलर का जानवर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मंडी लगी हुई हमारी सोसाइटी में, ठीक है, साइमा अरेबियन विलास सोसाइटी है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्कूल है, या मेन रोड से आप जैसे ही इन होंगे साइमा के अंदर, और जैसे आप थोड़ा सा अंदर आएंगे ये फ्लैट ख़त्म होते ही जो है यहाँ पर ये जानवर खड़े हैं, किसी को भी अगर चाहिए तो यहाँ ज़रूर आ सकता है, आकर देख सकता है जानवर।